हमें समय कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली में हैं और आपको हम दृश्य दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है कहा जाए तो टेंशन है फिजाओं में और कहीं ना कहीं सब जो है यहाँ पर यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बिहार में काबा। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी इंचार्ज हैं प्रणव झा जी। बिहार में काबा, कांटे की टक्कर लग रही है, कहीं कभी जो एनडीए है वो बढ़त बनाए हुए है, पहले महागठबंधन ने बढ़त बनाई थी, किस तरह देखते हैं इसे आप? आपके प्रश्न का जवाब दूं कि बिहार में एक वाक्य में बदलाव बा, महागठबंधन के पक्ष में बदलाव बा, लोग तय कैले बा ए बार नई सरकार बनावे के, और ये जो है बहुत स्पष्ट था। आप में से जो भी आपके पत्रकार बंधु भी और तमाम लोग जो लोग गए वहाँ, वो सभी महसूस कर रहे थे कि बदलाव की इच्छा बिहार के लोगों ने बनाई है, और ये माहौल जो है ये पिछले कई समय से, कुछ समय से बन रहा था, और ये ज़्यादा बढ़ गया कोरोना की वजह से। खास करके वो जो करीब 15 लाख लोग जो लौट करके मजबूर होकर लौटे राज्य में, और मुख्यमंत्री की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं था, और व्यवस्था तो दूर की बात, वो जो रिसेप्शन था वो भी संवेदनहीन था। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो उनसे पल्ला झाड़ना चाहते हैं, उनको अपने हाल पर छोड़ दिया गया, उनके स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके रख रखाव की व्यवस्था नहीं थी। उसके अलावा तमाम मुद्दा जो कि बेरोज़गारी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, वो शिक्षा व्यवस्था की समस्या हो या स्वास्थ्य व्यवस्था की, ये तमाम मुद्दे थे, और जनता चाहती थी कि इस बारी बदलाव हो। इस समय हम कुछ देर से हम लोग बैठ रहे हैं और हम साथ देख रहे थे रुझान, तो कई बार ऐसे लगता है जैसे कांटे का टक्कर है, लेकिन जो हमें इनपुट है, जो हमें बताया गया है वहाँ से लोगों पर, और हमारा अनुभव है, कई चुनाव हम देखते हैं और हर चुनाव के बाद हम यहाँ खड़े होते हैं सिलोन में, तो उसी अनुभव के आधार पर मैं सुबह से कह रहा हूँ कि हमें पूरा विश्वास है कि स्पष्ट बहुमत महागठबंधन को मिलेगा। अच्छा प्रणव जी, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि महागठबंधन को बहुमत मिलेगा, वहीं दूसरी ओर केसी त्यागी हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि उन्होंने हार कहीं ना कहीं कंसीड कर ली है और उन्होंने ठीकरा जो है वो कोरोना वायरस के ऊपर फोड़ा है। इसके अलावा जो नंबर्स हैं वो कुछ और कहानी बताते हैं। मुझे हम इसी बात को लेकर के हतप्रभ हैं, और मेरी बात हुई, मैंने आपसे बात करने के पहले मैंने कुछ लोगों से वहाँ बात की ज़मीन पर, काउंटिंग बूथ पर, तो सभी जो है यही बात कह रहे हैं, पत्रकार जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि उनकी बात हुई थी उनके नेताओं से, उनके आंतरिक सर्वे की बात भी उन्होंने बताई, उसको रेफर करके कहा कि उनका खुद का जो आंकलन था वो वैसा ही था, वो भी यही अपेक्षा कर रहे थे कि जदयू जो है वो करीब 30 सीटें लाएंगी, उनका अपना आंतरिक विश्लेषण था, और हम भी यही सोच रहे थे कि उनको 30 की सीटें करीब आनी चाहिए। भाजपा, मुझे नहीं लगता कि उनको जो है पिछले बार जो 2015 की संख्या थी, उन्हें 53 सीटें मिली थी, उससे ज़्यादा मुझे कहीं वो दिखता नहीं था, क्योंकि नीतीश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, और वो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को भी झेलना पड़ता क्योंकि बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया था। तो ये तमाम चीज़ें जो है कॉमन सेंस बताता है कि किसी भी तर्क से, किसी भी आंकड़े विश्लेषण से ये चुनाव जो है वो महागठबंधन के पक्ष में होता है, इसका मतदान जो है, इसकी मतगणना जो है वो महागठबंधन के पक्ष में होना चाहिए। ट्रेंड्स में तो भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, उसे कैसे देखते हैं? ये भी कह रहा था कि इस बारी थोड़ा अलग, आपके दर्शकों को बताऊं कि थोड़ा अलग है इस बार का चुनाव, क्योंकि कोरोना के कारण जो है रेस्ट्रिक्शंस है, इस बारी जो है एक बूथ पर मतों की संख्या को जो है कम रखा गया है, कम लोग आए मतदान करने के लिए, इसलिए बूथों की संख्या बढ़ाई गई, ईवीएम्स बढ़े हैं, तो आमतौर पर इस समय तक जो है वो मतगणना जो है स्टेबल होने लगते थे, लेकिन इस बारी चूँकि मतपेटियों की संख्या अधिक होगी, मतगणना जो है देर तक चलेगा, तो स्टेबल होने में भी, आंकड़ों को स्टेबल होने में समय लगेगा, और मैं अभी जब देखा आपसे बात करने के ठीक पहले, तो बिल्कुल नेक एंड नेक चल रहे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अभी भी अपबीट है, और उनका कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अर्ली ट्रेंड्स हैं, और जो भी पूरी स्थिति है वो लगभग थोड़े घंटों के बाद ही साफ होगी कि किस ओर जो है वो सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन मस्तान सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।